दोस्तों कैसा होगा अगर आपने आज के डेट में आपके क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का सेटलमेंट किया और ठीक एक हफ्ते बाद जो है दोबारा आपके नंबर पे कलेक्शन एक्टिविटी चालू हो जाए और आपको बोला जाए सर आप अपना लोन का पेमेंट करो। बिल्कुल यही सिनारियो आपके साथ भी हो सकता है अगर आपके साथ हो गया कोई फेक सेटलमेंट। अब सवाल ये बनता है कि ये फेक सेटलमेंट होता क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, और अगर सेटलमेंट हो जाता है तो मेरे पास जो लेटर आएगा सेटलमेंट क्या वो जाली है या फिर ओरिजिनल है, कैसे पता करें। ये सवालों का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आप जो है कैसे आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फेक सेटलमेंट है कौन सा ओरिजिनल सेटलमेंट है, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी लॉस या फिर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और सबसे मेन पॉइंट दोस्तों मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन जो है बहुत सारा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए तीन बात का अगर आपने ध्यान रखा तो आपके साथ कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। पहला पॉइंट जो है आपको बताना चाहूंगा सेटलमेंट के बारे में, वो है सेटलमेंट लेटर के बिना आपका सेटलमेंट नहीं होता। अगर कोई भी जो है कलेक्शन एजेंट बोल रहे सर आप इतना अमाउंट भर दो आपको कल जो है मैं सेटलमेंट लेटर इशू करवा देता हूं, तो आपका सेटलमेंट फेक हो सकता है। क्योंकि सेटलमेंट लेटर पहले आपको इशू होता है जिसमें अमाउंट, लोन आईडी या फिर पूरा डिटेल्स, आपको कितना में सेटलमेंट हो रहा है, कितने बार में देना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है सेटलमेंट लेटर में लिखा रहता है। सो पहले वो इशू होता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, ना कि पहले पेमेंट उसके बाद सेटलमेंट लेटर। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर टू दोस्तों, ऑप्शन नंबर टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों कि आईडी, कौन से आईडी से जो है ईमेल आ रहा है आपके पास सेटलमेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भेजा गया है एक सेटलमेंट लेटर का ईमेल। दोस्तों यहाँ पे गौर करिए, जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिस आईडी से ईमेल आया है उस ईमेल आईडी का आखिरी में icicibank.in लिखा है। सो अगर जेन्युइन है तो ऐसे ही बैंक का ऑफिशियल आईडी से आएगा, हो सकता है बैंक का कोई पर्टिकुलर आईडी से आए, या फिर हो सकता है उस बैंक का जो भी कलेक्शन ऑफिसर है उसके आईडी से आए, लेकिन उस कलेक्शन ऑफिसर का आईडी के आखिरी में उस बैंक का नाम लिखा रहेगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि वो ऑफिशियल है या फिर कोई फेक है। अगर जीमेल आईडी से आ रहा है या फिर कोई याहू आईडी से आ रहा है तो मान के चलिए वो 99.99% चांसेस है वो फेक सेटलमेंट लेटर है। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आपको सेटलमेंट लेटर भेजा जाए ईमेल पे, सबसे पहले चेक करिए कि कौन से ईमेल आईडी से ईमेल आया है। अगर उसमें आपका बैंक का या फिर आप फाइनेंस कंपनी का नाम नहीं है आखिरी में, तो समझ जाइए वो फेक हो सकता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि आपका सेटलमेंट लेटर कभी भी आपको व्हाट्सएप में नहीं भेजा जाएगा, और अगर भेजा जाता भी है तो जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्रेट का, देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब वेरीफाई है और ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल वेरीफाई व्हाट्सएप से आएगा, अदरवाइज जो है आपको ईमेल पर आएगा। सो 99% चांसेस से ईमेल पर आएगा, अगर ईमेल पर नहीं आता व्हाट्सएप पर आता है तो जरूर देखिएगा। व्हाट्सएप नंबर किसी का पर्सनल नंबर नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल होगा, और ऑफिशियल पहचानने का सबसे आसान तरीका है ऐसे ही ग्रीन टिक दिखेगा, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। सो दोस्तों ये तीनों पॉइंट अगर आपने ध्यान रख दिया तो आपके साथ जो है ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आ सकता है। दोस्तों सेटलमेंट के बारे में अगर आपको बहुत सारा जानकारी लेना है, जैसे कि हो गया कि आप कितने में सेटलमेंट हो सकता है, कितने कम में हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस बात का ध्यान रखना है, ये सारे विषय के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया, उसका प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, इस वीडियो का नीचे में दे दूंगा, वहां से जाके आप आइडिया कर सकते हैं सारे टॉपिक के ऊपर। सो दोस्तों आई होप आपका आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।